बेटा जो पीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं, इस पीडीएफ का लेसन नंबर 13, 14 और 15 हमको आज करना है, ठीक है। तो लेसन नंबर 13 में है एरे बनाना। एरे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बनाना किसी स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है। कॉपीज बनाना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉपी कैसे बनाते हैं। अब एरे कैसे बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एरे कैसे बनाना है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर पाथ में होता है, इसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सर्कुलर पैटर्न में मतलब किसी सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग बनाना, और या फिर किसी भी स्पेसिफिक आपके खुद के पाथ के अलॉन्ग बनाना, ठीक है। तो वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगुलर एरे देखते हैं। रेक्टेंगल बनाया हमने, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। फिर एरे, अब एरे में आपको दिख रहा है एरे पोलर, एरे पाथ और एरे रेक्टेंगुलर। सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगुलर पाथ। रेक्टेंगुलर पाथ वाला एरे आपको दिख रहा है कैसे एक ही पॉइंट का मल्टीपल कॉपीज बनते हैं एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में, स्पेसिफिक रोज में, स्पेसिफिक कॉलम्स में। तो एरे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे हम, फिर क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर। ये आपका एरे बन गया, ठीक है। अब देखिए जैसे एरे बन जाता है, एरे क्रिएशन टैब खुल जाता है ऊपर, जिसमें आपका कॉलम्स और रोज और कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस और कॉलम्स की रोज के बीच का डिस्टेंस सब लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब देखो कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम एडिट कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम आपने अगर 5 किया तो कॉलम बढ़ गया, अगर 3 किया तो कॉलम घट गया, 4 किया तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गए। अब कॉलम के बीच का डिस्टेंस आप बना सकते हो बिटवीन से, ठीक है। अगर कॉलम्स मतलब हर कॉलम आपके कौन से होते हैं, वर्टिकल कॉलम होता है और रोज होता है हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कॉलम्स के बीच के डिस्टेंस आप बिटवीन से बता सकते हो, ठीक है। अभी 59.5355 है, मैं 60 करूँगा तो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, 50 करूँगा तो, अगर मैं 50 करूँगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 55 करूँगा तो बढ़ जाएगा। या तो मैं इससे एडिट कर सकता हूँ या तो मैं टोटल से एडिट कर सकता हूँ, मतलब सारे कॉलम्स मिला के टोटल कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। 55 to 3 करोगे 165 आएगा। अगर मैं यहाँ से करूँ इस हिसाब से ये अपने आप एडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने किया 150, तो अपने आप ऊपर 50 हो गया, और टोटल कॉलम का लेंथ, कॉलम्स के बीच का टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो 150 हो गया। तो ये कॉलम्स के थ्रू एडिटिंग हो गई रेक्टेंगुलर एरे की, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज भी चेंज, रोज क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, नंबर ऑफ रोज को भी आप बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस, हर एक रो के बीच का डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये टोटल रो डिस्टेंस, ये रो की स्पेसिंग का डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि आपको ये एरोज दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इन एरोज से आप इस रो को, इस एरे को एडिट कर सकते हो, पूरे एरे को, या इस साइड लेके आ सकते हो या इस साइड। अगर आप ये वाला एरो लेते हो तो आप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या हॉरिजॉन्टली राइट, उनके बीच का डिस्टेंस भी आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इस साइड ले जाऊँ और डिस्टेंस 60 कर दूं तो ये, इस साइड ले जाऊं अगर और डिस्टेंस को स्पेसिफाई करके 60 कर दूं तो यहां पर भी मेरा एरे इस साइड चला जाएगा। अगर मैं इसको यूज करूं तो इसके थ्रू मेरा एरे ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है। ठीक है, जो आपका सोर्स रेक्टेंगल, जो सबसे पहले रेक्टेंगल था, ये हमारा सोर्स है, तो सोर्स के बगल वाला एरो यूज करोगे तो ये एरे का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर आप ये वाला एरो करोगे तो ये और कॉलम्स बनाने में आपकी मदद करेगा, समझ में आया। हम फिर सेलेक्ट करेंगे एरे को, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इससे हमारा डायरेक्शन एरे का चेंज होगा और रोज के बीच का डिस्टेंस, समझ में आया। और अगर हम ये वाला एरो यूज करेंगे तो इससे हमारा नंबर ऑफ रोज चेंज होगा, समझ में आया।
चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आपको चेंज करना हो। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये था आपका रेक्टेंगुलर एरे, ठीक, डिलीट किया। अब देखेंगे पोलर एरे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी लाइन मैंने बताया था आपको, पी लाइन में क्या होता है, पूरा एक फिगर जो बनती है वो सेम ही लाइन से बन जाती है, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा ट्रायंगल एक बार में सेलेक्ट होगा। ये था हमारा पी लाइन कमांड। अब एरे में जाएंगे और सेकंड पोलर एरे पोलर सेलेक्ट करेंगे, फिर स्पेसिफाई। अब सेंटर पॉइंट ऑफ, एक मिनट, एरे एरे पोलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही बार में सेलेक्ट होगा क्योंकि हमने पी लाइन से बनाया है इसको। सेलेक्ट हो गया, एंटर। स्पेसिफाई सेंटर मतलब सर्कल के सेंटर के अबाउट एरे बनाएंगे हम, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एरे जैसे ही बना, हमारा एरे क्रिएशन टैब खुल गया। अब इसमें आपको समझना है ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने चाहिए एरे में, आइटम्स के बीच का एंगल कितना चाहिए, और फिल मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स जब एरे बन जाएंगे तो उनके बीच में पूरा एंगल कितना होगा। अगर मैं इसको 180 करूं तो ये देखिए, ये सिर्फ 180 डिग्री में 6 ट्रायंगल्स को फिल कर देगा। अगर मैं इसको 5 करूं, अपने आप एंगल भी चेंज होगा उनके बीच का और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी। अगर बिटवीन एंगल चेंज कर दूं तो ये 30 डिग्री हो गया, फिल 180 अगर करूं तो एंगल चेंज हो जाएगा। ऐसे अगर फिल एंगल में 270 करूं तो ये 270 एंगल तक चेंज होगा, ठीक है। सरमाया इसमें आपका रोज, बिटवीन और टोटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आइटम्स, बिटवीन और फिल ये वाले ऑप्शंस इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये था आपका पोलर एरे। इसके बाद है पाथ एरे, मतलब एक स्पेसिफिक पाथ के अलोंग, मतलब जैसे मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है, ये जैसे हमारा आर्क बना, ठीक है। अब इस पाथ के अलोंग हमें अगर एरे चाहिए, ठीक है, तो हम देखेंगे पी लाइन से फिर से रेक्टेंगल बनाएंगे हम, रेक्टेंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को अगर हमें इस पाथ के अलोंग रिपीट करना है तो एरे, एरे में एरे पाथ, एरे पाथ, एरे पाथ, इवन डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ। आपको दिख रहा है कैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक पाथ के अलॉन्ग आपका एरे बन जाता है। एरे पाथ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर मारा, सेलेक्ट पाथ कर्व, जिस पाथ कर्व के अलॉन्ग आपको एरे बनाना है वो सेलेक्ट किया, और ये आपका नंबर ऑफ आइटम्स का एरे बन गया, ठीक है। अब इसमें आपको इनके बिटवीन का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो आप, इससे मतलब 40 कर दिया तो ये 40 हो गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम करोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ आइटम्स अपने आप बढ़ जाएंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, अपने आप बढ़ेंगे वो, ठीक है। 30 किया, नंबर ऑफ आइटम्स 10 हो गए। तो ये आपका पाथ वाला एरे था। कौन सा वाला? पाथ वाला एरे था आपका ये, ठीक है। तो हमने एरे को रेक्टेंगुलर एरे, सर्कुलर एरे और पाथ एरे हमने देखा, ठीक है। एरे रेक्टेंगुलर एरे, रो स्पेसिंग कैसे चेंज करनी है, कॉलम स्पेसिंग कैसे चेंज करनी है, ठीक है, मैंने बताया आपको, ठीक है। कैसे आप इन ग्रिप्स को, इस ग्रिप से क्या होगा आपका डायरेक्शन बदलेगा, और इस ग्रिप से क्या होगा एडिशनल कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो ग्रिप से कैसे आप चेंज कर सकते हो एरे, एरे के प्रॉपर्टीज को मैंने बताया आपको। फिर पोलर एरे के सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग आपका एरे बनाना, ठीक है, ये मैंने बना के दिखाया था आपको, ठीक है। उसके बाद एंटर आइटम्स एंड एंटर बिटवीन मतलब आइटम्स के बीच का एंगल, और फिर एंटर आइटम्स और एंटर फिल मतलब आइटम्स एंटर करो और किस एंगल तक, इसमें देखो 180 डिग्री तक ही बस एरे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर पाथ के अलोंग एरे बनाना, फिर एक्सरसाइज 13A, ये आपको करना है एक्सरसाइज, ठीक है। कैसे आप सिंगल लाइन टेक्स्ट से यहाँ पर अपना ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के सिंगल लाइन टेक्स्ट जो हमने पिछले क्लास में सीखा है उससे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर एरे है, ये आपका ऑप्शनल है, इसको आप नहीं भी बनाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोलर एरे यूज़ करना है, फिर यहाँ पर आपको पाथ एरे यूज़ करना है। इस पाथ एरे में क्या करना है, ये
लाइन बनानी है और इस लाइन पे सेंटर्ड एक सर्कल बनाना है। कैसे करोगे इसको? ये आपने लाइन बनाई, सर्कल कमांड, सर्कल इसके अबाउट सेंटर लेके सर्कल बनाया आपने, ठीक है। फिर एरे, एरे पाथ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सेलेक्ट पाथ का कर्व, ये आपका पाथ का कर्व है, तो ये आपका पाथ बन गया, ठीक है। सेलेक्ट करोगे तो एरे अपने आप, एरे एडिटर अपने आप खुल जाएगा। डिस्टेंस आप चेंज करोगे तो नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़ जाएंगे। आया समझ में? तो ये आपको इस वाले क्वेश्चन में करना है, ठीक है। क्या रेडियस है आपको दिख रहा है? रेडियस क्या है इसका, ठीक है। किस एंगल पे लाइन बनाना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सरसाइज करना है बेटा, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल फाइल्स चेक होंगे नेक्स्ट वीक, तो उसमें आप मेरे को ये सारे एक्सरसाइजेस चाहिए, जितने भी एक्सरसाइज मैंने पहले कराए हैं, उसके बाद आज 13, 14, 15 जो मैं करवाऊंगा आपको। प्लस नंबर 14, इसमें सबसे पहले स्केल कमांड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, फिर स्ट्रेच कमांड या फिर कंप्रेस कमांड, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, फिर रोटेट कमांड, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, ठीक है। वो देखते हैं, तो इसे मैं देखेंगे बेटा स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड इजी है बेटा, ठीक है। जैसे मैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाते हो आप, तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हो, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हो आप, तो आपको दिखते हैं ये तीन ग्रिप्स, ये वाला ग्रिप, ये वाला ग्रिप और एक ये वाला ग्रिप। इन तीन ग्रिप्स के बदौलत आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप डायगनली स्ट्रेच करोगे इसको, मतलब आधा तिरछा स्ट्रेच करोगे, ठीक है। इसको यूज़ करोगे, इससे आप एक गाइडिंग लाइन लोगे और इसको स्ट्रेच करोगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेच करने का तरीका हो गया। इसी से आप छोटा भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इससे आप छोटा भी कर सकते हो, इसको लोगे, फिर इस पॉइंट को लोगे, इससे गाइडिंग लाइन लोगे और फिर इसको छोटा करोगे, तो ये हो गया कंप्रेस करना। और अगर आपको बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेच करना है, ठीक है, आड़ा तिरछा स्ट्रेच नहीं करना है, तो आप ये बीच वाला ग्रिप लोगे, इसको सेलेक्ट करोगे लेफ्ट क्लिक से और फिर माउस को जिस भी डायरेक्शन में आपको ले जाना है उस डायरेक्शन में ले जाओगे। अभी और तो मोड ऑन नहीं है, इसलिए आपका आड़ा तिरछा स्ट्रेच भी ये हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेच कमांड है, ये स्ट्रेच कमांड है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका स्केल कमांड। स्केल कमांड मतलब इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं हम। स्केल, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर उसके बाद बेस पॉइंट, मतलब किसके अबाउट स्ट्रेच करना है, सेंटर, सेंटर सेलेक्ट करते हैं हम, ज्योमेट्रिक सेंटर, और फिर स्पेसिफाई स्केल, मतलब छोटा करना है या बड़ा करना है। 0.5 करूँगा तो ये हाफ साइज का हो जाएगा, 2 करूँगा तो डबल साइज का हो जाएगा। 0.5 छोटे साइज का हो गया, फिर सेलेक्ट किया इसको, स्केल कमांड, बेस पॉइंट इसका सेंटर, फिर 2 किया तो ये फिर से अपने साइज में वापस आ गया, ठीक है। तो ये था आपका स्केल कमांड, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं, स्केल कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट सेंटर, फिर से सेंटर के अबाउट, और फिर स्केल फैक्टर 1.1, सेकंड 0.75 कर देते हैं, छोटा कर दिया इसको, ठीक है। हम बताऊंगा रोटेट कमांड, रोटेट वैल्यू बता चुका हूँ आपको, आपको बस रिवाइज करा रहा हूँ। रोटेट कमांड, रोटेट, रोटेट भी क्या करता है अभी बताएगा ये। रोटेट ऑब्जेक्ट अराउंड अ बेस पॉइंट, किसी भी बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। आपको ये इमेज दिख रही है, एक डाइनिंग टेबल बना हुआ है, उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया है प्लान में, ठीक है। यही सब करना है आपको ऑटोकैड में। तो रोटेट कमांड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर बेस पॉइंट इसके अबाउट रोटेट किया या सेंटर के अबाउट, चलो इसके अबाउट करते हैं, फिर अपना एंगल स्पेसिफाई किया, समझ लो 90 डिग्री हमें चेंज करना है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसा उस इमेज में था, उस इमेज को बनाते हैं पहले, एक डाइनिंग टेबल सा कुछ बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर इसको कॉपी करके इसके
कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लिक बेस पॉइंट और फिर ये बनाते हैं। गाइडिंग लाइन ले लिया, ट्रायंगल बन गया हमारा। अब इस डाइनिंग टेबल को रोटेट करना है हमको, तो रोटेट सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सब सेलेक्ट कर लिया हमने, एंटर। फिर बेस पॉइंट ये बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सेंटर से बेस सेंटर से घुमाना है हमको, और फिर इसको हम घुमा सकते हैं किसी भी डिग्री में, जिस डिग्री में घुमाना है। ये घूम गया 90 डिग्री, ठीक है। रोटेट फिर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, एंटर किया, फिर बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, और फिर इस बार हम इसके कॉर्नर से रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। 90 किया, फिर रोटेट हो गया ये, ठीक है। तो ये था आपका रोटेट कमांड। तो सेक्शन 14 में स्केल कमांड, स्ट्रेच कमांड, रोटेट कमांड, ये था आपके तीन चीज़ें, वो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। ये स्केल कमांड है, फिर स्ट्रेच कमांड है, फिर रोटेट कमांड है। तो एक्सरसाइज आपको ये खुद करनी है, ठीक है। ईजी एक्सरसाइज है इसमें, आपको एक स्क्वायर स्क्वायर को पहले वर्टिकली स्ट्रेच करना है, फिर हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच करना है, ताकि एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाए। आपको ये वाले ड्राइंग बनानी है, फिर इसको राइट साइड में स्ट्रेच करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन, इसमें आपको रेक्टेंगल बनाना है, फिर इस बेस पॉइंट के अबाउट 45 डिग्री रोटेट करना है, फिर इस बेस पॉइंट के अबाउट 45 डिग्री राइट में रोटेट करना है। अब बेटा हम लोग आ गए लेसन नंबर 15 में, इसमें हमें हैचिंग करनी है। अब हैचिंग या तो पैटर्न की हैचिंग होती है, या सॉलिड कलर की हैचिंग होती है, या ग्रेडियंट की हैचिंग होती है, ठीक है। ये तीन टाइप की हैचिंग होती है, तो वो हैचिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। तो समझ लो ये डाइनिंग टेबल है हमारा, ठीक है। इसको मूव करते हैं, मूव कमांड मैंने पहले बताया मूव कमांड कैसे करते हैं, ठीक है। मूव कमांड बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, ये बेस पॉइंट, और इसको मूव कर लो। तो हमारा मूव कमांड था पहली बार, को मूव कमांड कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें हम करेंगे हैचिंग, ठीक है। तो हैचिंग के लिए बी एच दबाओ, बी एच कमांड है हैचिंग के लिए, बी एच क्लिक किया, फिर इंटरनल पॉइंट, जैसे ये अगर इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी हैचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे हैचिंग हो गई। ये कौन सी वाली हैचिंग है, ये पैटर्न वाली हैचिंग है। अब हैचिंग में बेटा चार पांच ऑप्शंस होते हैं आपको सीखना है। सबसे पहला हैच की ट्रांसपेरेंसी, अभी दिख रहा है आपको ये हैच की जो लाइन्स है इनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। मतलब पारदर्शी देख नहीं पा रहे हैं, ये ओपेक है। अगर ट्रांसपेरेंसी में इतने कर दो 100, ठीक है। सब एक मिनट, मैं सेलेक्ट किया है इसको, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर 50 किया, ठीक है, तो अभी हमारे ये हैच ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, दिख रहा है आपको, ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, थोड़े बहुत लाइंस इसके आर इनके आर पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर होता है एंगल, अभी एंगल क्या है, अभी इनका एंगल 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के रेफरेंस में इनका एंगल 0 है। अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँ 60 कर दूँ, तो ये आपको दिख रहा है ऐसे इसका एंगल चेंज हो गए, दिख रहा है इसके एंगल चेंज हो गए। उसके बाद है बेटा 1, ये क्या है बेटा, ये आपका है स्केल, हैच पैटर्न स्केल, मतलब लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आपका लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दिख रहा है आपको डिस्टेंस बढ़ गया, दिख रहा है आपको। 1 किया वही आ गया, 3 किया कम हो गया, ठीक है। 0.5 किया, हैच लाइंस और भी करीब आ गए अब एक दूसरे के, ठीक है। तो ये आपका हैच ट्रांसपेरेंसी, हैच ट्रांसपेरेंसी आप ऐसे ही बढ़ा सकते हो, ठीक है, एरो से, ठीक है, जिससे आपको पता लगे कि कैसे आपके हैचेस बन रहे हैं, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपका है, अब ये जो ये कंट्रोल करता है आपके लाइंस के कलर, लाइन्स के कलर येलो हो गए, ठीक है। ये कंट्रोल करता है लाइन्स के कलर, लाइन कलर रेड हो गया, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है लाइन के पीछे का बैकग्राउंड, ठीक है, समझ में आया। तो ऊपर वाला क्या करता है बेटा, ऊपर वाला एक बेटा को दिख रहा है, ऊपर वाला हैच का कलर, मतलब हैच में जो पैटर्न की लाइंस है उनका कलर कंट्रोल करता है, और नीचे वाला हैच के बीच का बैकग्राउंड कलर कंट्रोल करता है, ठीक है, आया समझ में। तो अभी हमारा हैच कौन सा है, जिसकी लाइंस
रेड कलर के हैं और हैच के बैकग्राउंड ब्लू कलर का है, ठीक है। ऐसे जस्ट सेलेक्ट करोगे हैच को, वैसे ही आपका हैच एडिटर खुल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा पैटर्न कौन सा है, ये वाला, हम पैटर्न चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हमारा ये पैटर्न हो गया, अभी हमारा ये पैटर्न हो गया, तो पैटर्न्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये वाला पैटर्न आ गया बेटा। इस वाले पैटर्न में अगर एंगल हम जीरो कर दें तो ये हमारा बिल्कुल ब्रिक वॉल वाला पैटर्न है, आपको दिख रहा है ब्रिक वॉल वाला पैटर्न। ब्रिक वॉल में क्या होता है, हैच के कलर अगर हम हैच का कलर अगर ब्लैक कर दें और पीछे अगर हम रेड कर दें तो ये बिल्कुल आपका ब्रिक वॉल जहाँ दिखेगा, जैसे दीवार दीवार हुई है ना, दीवार कलर लग रहा है आपको बिल्कुल। ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रिक वॉल बन गया, दिख रहा है आपको, ये ब्रिक वॉल बन गया। अब ये तो हमने डाइनिंग टेबल का हैचिंग करा, हम इसकी सीट्स की अलग हैचिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं अलग हैचिंग। VH दबाओ, ठीक है। इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट करो और ये सेलेक्ट करो, तो ये हमारा हैच बन गया डाइनिंग टेबल के सीट्स का। जैसे सेलेक्ट करोगे सभी का सेलेक्ट होंगे, इनका आप पैटर्न बदल सकते हो। ठीक है, ठीक है, और इनका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीट का हैचिंग था, ठीक है। तो ये हमारी हैचिंग है पैटर्न वाली। अब इसमें हम अपने खुद का हैचिंग बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नीचे जाओगे तो यूज़र हैच भी कर सकते हो आप, ठीक है। यूज़र डिफाइंड हैच बना सकते हो आप, ठीक है। हैच की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, ठीक है। एंगल इसकी 60 कर दो, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड हैच भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना सकते हो यूज़र डिफाइंड हैचेस। तो BH हैच, ठीक है। अब हैच में बेटा और भी ऑप्शंस होते हैं आपके, पैटर्न वाला मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, पैटर्न वाले हैचेस, जैसे ये हैच है, ये हैच है, ठीक है। ठीक है, ये आपका हैच है पैटर्न वाला। हम पैटर्न वाले हैच के सिवा हम ग्रेडियंट हैच भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या होता है बेटा, कलर एक साइड से दूसरी साइड में या तो कलर चेंज हो रहा होता है या तो कलर का इंटेंसिटी चेंज हो रहा होता है। ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, ये आपका आ गया ग्रेडियंट, ठीक है। अगर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको एसोसिएटेड, इसका मतलब क्या है, अगर आप एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कंक्लूजन ना हो, ठीक है। हम सिर्फ एक ही रेक्टेंगल को देखेंगे अभी, ग्रेडियंट में जैसे हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया तो ग्रेडियंट का भी आप चूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, कैसे ग्रेडियंट चाहिए आपको, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब एक तरह दूसरी तरफ उसके कलर्स चेंज हो रहे हैं या इंटेंसिटी घट रही है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर वाला कलर क्या है, जो बताता है कि बाउंड्री में कलर कैसा होगा, ठीक है, और नीचे वाला बताता है कि बीच में कलर कैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अलग ग्रेडियंट बना सकते हो, फिर इस ग्रेडियंट की ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो आप, ठीक है। ग्रेडियंट का एंगल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ग्रेडियंट का एंगल 60 डिग्री का है। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है बेटा, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट का बाउंड्री चेंज करोगे या घटाओगे तो उसके हिसाब से आपका ग्रेडियंट जो अंदर का आपका हैच है वो भी अपना एरिया बढ़ाएगा या घटाएगा, कैसे देखो। आपने ये सेलेक्ट किया, स्ट्रेच कमांड सीखा था हमने, स्ट्रेच किया तो हैच ने भी अपना कलर चेंज किया,
अपना कलर नहीं चेंज किया, अपना एरिया चेंज किया, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव हैचिंग, ठीक है। सेंटर्ड में क्या होता है कि आपका ग्रेडियंट किसके अबाउट इक्वली या यूनिफॉर्मली अपना इंटेंसिटी चेंज कर रहा है या कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, वो होता है आपका सेंटर्ड। तो यहाँ पे सेंटर के अबाउट आप देखोगे, सेंटर के अबाउट आपका कलर चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो ट्रांसपेरेंसी देखा हमने, एंगल देखा, और यहाँ पर हमने देखा कलर किस चेंज से क्या चेंज होता है, ठीक है। फिर ग्रेडियंट के बाद तीसरा हैच टाइप होता है सॉलिड, ठीक है, मतलब सॉलिड कलर है पूरा, कोई भी कलर इसमें चेंज नहीं हो रहा है, इसमें आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, और उस हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अब बेटा हैचिंग में कुछ हम एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे हम हैच को ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम करने के लिए कैसे करेंगे बेटा, ट्रिम करने के लिए पहले बताया था मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, जैसे ये हमारी इंटरसेक्टिंग, ये हमारा एक ग्रेट पैटर्न वाला हैच है, ठीक है। अब पहले एक लाइन बनाएंगे हम, तो ये हमारा लाइन बन गया, ठीक है। हम करेंगे ट्रिम कमांड, ठीक है, आपको दिख रहा है कैसे ये राइट साइड वाला जो पैटर्न है वो ट्रिम हो जा रहा है, या लेफ्ट वाला पैटर्न भी ट्रिम कर सकते हैं। ये ट्रिम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस लाइन को इंटरसेक्ट करके हमारा हैच आगे या पीछे जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम ट्रिम कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट वाला फिर ट्रिम नहीं हो पाएगा, ट्रिम किया लेफ्ट वाला ट्रिम अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किस इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, समझ में आई मेरी बात। तो हम हैच को ट्रिम भी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल दैट दबाया मैंने तो ये वापस आ गया, अब हम लेफ्ट को ट्रिम कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिम कमांड है, किसके लिए, हैचिंग के लिए। तो हैचिंग में मैंने आपको पैटर्न वाला हैच बताया, सॉलिड वाला हैच बताया, और ग्रेडियंट वाला हैच बताया, ठीक है। और हैच में जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं एडिट करने के लिए वो मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंसी, एंगल, कलर्स और यूजर डिफाइंड हैचिंग भी आप कर सकते हो। जैसे अगर हम यूजर डिफाइंड हैच में जाए, यूजर डिफाइंड हैच में, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं, ये कलर है समझ लो वाइट, और वाइट में अगर हम येल्लो करें और डिस्टेंस इनका थोड़ा बढ़ा दें, तो ये हमारा खुद का एक हैचिंग पैटर्न बन गया, ठीक है, हमारे खुद का एक हैचिंग पैटर्न बन गया जिसका बैकग्राउंड वाइट है, हैचिंग के लाइंस येलो है, एंगल 60 है और ट्रांसपेरेंसी 30 है। तो ये यूजर डिफाइंड हैचिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लेसन 15 जिस पर हमने हैचिंग करना सीखा, ठीक है। हैचिंग मैंने ये वाला बताया आपको, हैच की प्रॉपर्टीज बताई मैंने, ठीक है, फिर हैच टाइप, हैच कलर, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंसी, हैच की एंगल, हैच का स्केल या स्पेसिंग कैसे चेंज करना है मैंने बताया, फिर कैसे इस ड्रॉप डाउन से आप सॉलिड, ग्रेडियंट या पैटर्न वाले हैचिंग कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, समझ में, ठीक है। तो कैसे हम हैचिंग करते हैं, ठीक है, फिर एसोसिएटिव क्या होता है मैंने बताया, ठीक है, उसके बाद मैच प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर आपको प्रॉपर्टीज मैच करनी होती है, अगर दो जगह आप हैचिंग कर रहे हो और पहले का हैचिंग प्रॉपर्टी दूसरे के हैचिंग प्रॉपर्टी को सेम करना चाहते हो आप, तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स, पैटर्न्स में एंगल क्या है, स्केल क्या है मैंने बताया आपको, यूजर डिफाइंड हैचिंग कैसे बना सकते हो वो बताया मैंने आपको, एंगल्स कैसे चेंज कर सकते हो मैंने बताया आपको, ठीक है। एंगल आपका यहाँ पर जो एंगल वाला ऑप्शन है, इससे आप एंगल चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी मैंने बताई, ठीक है, फिर सॉलिड वाला पैटर्न मैंने बताया, ठीक है, फिर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में भी आप कैसे ट्रांसपेरेंसी, कलर, एंगल चेंज कर सकते हो, फिर एडिटिंग में मैंने बताया आपको कैसे एसोसिएटिव अगर करोगे तो, अगर आप स्ट्रेच करोगे ऑब्जेक्ट को तो आपका पैटर्न भी आगे जाएगा, अगर नॉन एसोसिएटिव करोगे तो पैटर्न आगे नहीं जाएगा।
कैसे हम हैच को ट्रिम कर सकते हैं। अगर लाइन बनाएंगे तो हम हैच को ट्रिम भी कर सकते हैं। उसके बेटा आपको ये वाले एक्सरसाइज करनी है, 15A। ट्राइंगल बनाना है, सर्कल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और उसमें ये वाला आपको पैटर्न यूज़ करना है। पैटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ है, कौन सा यूज़ करना है आपको, कौन सा स्केल यूज़ करना है, कौन सा एंगल यूज़ करना है, ठीक है। तो सब लिखा हुआ है आपका, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पहले 3 एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, वो करो आप, ठीक है। तो इस वाले क्लास में हमने 3 चैप्टर करे, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर को रिवाइज करो बेटा, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।